नमस्कार दोस्तों, वर्धमान जनरेटर में आपका स्वागत है। लेके आ गया हूँ 20 KVA का महिंद्रा का धमाकेदार जनरेटर। जी हाँ दोस्तों, ये जेनुइन सेट है दोस्तों, कैनोपी में से निकाला हुआ, जिसका फोर ओवरले का काम किया है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके 100% लोड डाल के दिखाता हूँ, उसके बाद शोरूम कंडीशन में रेडी करके दिखाता हूँ। इसमें 3305 महिंद्रा का जनरेटर दोस्तों, 30 HP का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हाफ सेट में जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, किसी टाइप का कोई धुआं नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही धमाकेदार जनरेटर है। 51.5 फ्रीक्वेंसी सेट करी है, 242 के आसपास वोल्टेज है। जेनुइन ऑल्टेड लगा हुआ दोस्तों, इसमें किर्लोस्कर का एवीआर वाला फुल कॉपर वाइंडिंग का और महिंद्रा का 3 सिलेंडर का इंजन है। बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार जनरेटर है दोस्तों। ये तातीपल्ली नरेश भाई है, जो कि करीमनगर तेलंगाना से जिन्होंने हमसे परचेज किया है। देख सकते हैं दोस्तों, वोल्टेज वगैरह भी आपको चेक करा देते हैं। 235-236 के आसपास इसकी वोल्टेज आ रही है दोस्तों, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है दोस्तों, कोई वाइब्रेशन नहीं है। 100% लोड पे दोस्तों, 2 से 2.5 लीटर डीजल खाता है। चलिए पैनल पे चलते हैं, पहले वेल्डिंग का लोड और हीटर का, दोनों का लोड डाल के दिखाएंगे आपको। पहले हम लोग हीटर का लोड डालेंगे दोस्तों, उसके बाद वेल्डिंग का लोड डालेंगे। देख सकते हैं 51.5 फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। धीरे धीरे पहले हम लोग हीटर का लोड डालेंगे, उसके बाद हैवी ड्यूटी वेल्डिंग का लोड चलाएंगे इसके ऊपर। देख सकते हैं लोड डालना चालू हो चुका है दोस्तों, 51 एम्पीयर सिस्टम इस पर लोड चल रहा है और 50 के ऊपर फ्रीक्वेंसी मेंटेन है, बिल्कुल भी इंजन नहीं दब रहा है दोस्तों। इसे कहते हैं क्वालिटी, इसे कहते हैं काम। देख सकते हैं वेल्डिंग मशीन भी कनेक्ट कर दी गई है, अभी वेल्डिंग का लोड डल रहा है इस पर, रेगुलर वेल्डिंग कर रहा है लड़का दोस्तों। देख सकते हैं करीब 30 एम्पीयर वेल्डिंग का लोड आ रहा है और 51 एम्पीयर हीटर का लोड चल रहा है दोस्तों। 82-83 एम्पीयर इस टाइम इस जनरेटर में लोड चल रहा है, 49.5 फ्रीक्वेंसी मेंटेन है। इसे कहते हैं क्वालिटी, इसी बात पर एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, लाइक जरूर करें। देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, कोई धुआं नहीं है किसी भी टाइप का। देख सकते हैं बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, 81-82 एम्पीयर हीटर का और वेल्डिंग का लगातार लोड चल रहा है और क्वालिटी आपके सामने है दोस्तों, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, 49 के ऊपर फ्रीक्वेंसी मेंटेन है। देख सकते हैं आप दोस्तों, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, कोई धुआं नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। शेर की तरह इंजन दाड़ रहा है। डीसी भी आप देख सकते हैं दोस्तों, 100% लोड पे 21 DC आ रही है दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार जनरेटर दोस्तों, रेडी हो चुका है देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में हम लोगों ने जनरेटर को बना दिया दोस्तों, पूरा फुल लोड ले रहा है दोस्तों। इसी तरीके के जनरेटर हम लोग रेडी करते हैं दोस्तों, किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। अब लोड हटा के इसे बंद करेंगे दोस्तों, और ये जनरेटर बंद हो चुका है दोस्तों। अब इसे अच्छी तरह रंग पेंट करके बिल्कुल शोरूम कंडीशन में रेडी करके करीमनगर नरेश भाई के पास रवाना करेंगे, और पूरा जनरेटर शोरूम कंडीशन में रेडी हो चुका है दोस्तों। इसका प्राइस जानने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं 1-9899-707-888 और 9810-32-5530 नंबर पर। कॉल करने का समय सुबह 11 शाम को 6 बजे तक का दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी होती है। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार जनरेटर ये रेडी हो चुका है, बहुत ही शानदार डीजे धमाका जेनसेट है। इसके अंदर हम लोगों ने 50 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया है डबल क्लैंप के साथ में, ताकि बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना हो दोस्तों। ये इसका डीजल डालने का माउथ है, डीजल डाला जाएगा, ये एयर कॉक है जहाँ से हवा निकलती है दोस्तों टंकी में से। ये फ्यूल गेज है जो बताएगा टंकी में कितना डीजल है। इसके अंदर डिजिटल कंट्रोल पैनल लगा है, इसमें VF लगा है, वोल्टेज एम्पियर फ्रीक्वेंसी घंटे 5 चीज़ें आपको दोस्तों बताता है। ये टेम्परेचर मीटर है, ये बैटरी चार्जिंग एम्पियर मीटर है, ये स्टार्टिंग की है दोस्तों, ये DC इंडिकेटर है, ये AC इंडिकेटर और स्टॉपर है दोस्तों। ये कस्टमर की डिमांड पे हम लोगों ने लगाया है, नट बोल्ट के थ्रू पूरा सेटअप हम लोगों ने सेट कर दिया इसके ऊपर। 6 पहिए का हैवी ड्यूटी बेस लगाया है इसके ऊपर दोस्तों, सारे डबल जाली के हाइड्रोलिक के डीजल के पाइप है। महिंद्रा का 3 सिलेंडर का 3305 इंजन लगा हुआ है, जिसमें तीनों लाइनर, तीनों पिस्टन, पंप, नोजल हेड पूरा काम किया हुआ है दोस्तों। सारे आपको ब्रांड न्यू हॉर्स पाइप मिलेंगे, जेनुइन रेडिएटर लगा हुआ है दोस्तों, जिसका प्रॉपर हम लोगों ने सपोर्ट बनाया ताकि बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना हो। हैवी ड्यूटी वायरिंग लगी हुई है, हैवी ड्यूटी बैटरी की लीडें लगी हुई है, इसका बैटरी का स्टैंड है दोस्तों। पूरा शोरूम कंडीशन में जेनसेट रेडी हो गया है, फुल कॉपर वाइंडिंग का एवीआर वाला अल्टरनेटर लगाया इसके अंदर किर्लोस्कर का, जिसकी आउटपुट के वायर भी निकाले हुए हम लोगों ने, जहां आप लोड के वायर कनेक्ट करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं अभी मैं आपको स्टार्ट करके लोड डाल के भी दिखाने वाला हूं दोस्तों, उसकी आवाज़ भी चेक कराने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आ रहा तो दोस्तों लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी करें। देख सकते हैं फैनर के जेनुइन बेल्ट लगे हुए हैं इसके अंदर, चार्जिंग ऑल्टरनेटर की हम लोग सर्विसिंग कराते हैं दोस्तों, सारी हैवी ड्यूटी वायरिंग मिलेगी, हैवी ड्यूटी हम लोगों ने सपोर्ट बनाई रेडिएटर के दोनों साइड से। इसका साइलेंसर है दोस्तों, इंडस्ट्रियल साइलेंसर लगा के देते हैं हम लोग, ताकि आवाज़ प्रॉपर कंट्रोल हो। ये इसका एयर फिल्टर है दोस्तों, पूरा शोरूम कंडीशन में जेनसेट रेडी हो गया, जेनुइन सेट है दोस्तों, कैनोपी में से निकाला हुआ। मार्केट में लोग ट्रैक्टरों के इंजनों से जुगाड़ बना बना के लोगों को बेच रहे हैं और 15 KVA को 20 KVA बता के दे देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपको लोड डाल के भी चेक कराते हैं। देख सकते हैं हाफ सेट में जनरेटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल भी धुआं नहीं है, ना ही कोई वाइब्रेशन है, बिल्कुल एक नंबर का काम हो चुका है जनरेटर का। देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार जनरेटर दोस्तों, छोटे डीजे वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है महिंद्रा का। जेनुइन सेट ही दोस्तों खरीदे,
क्योंकि लोकल जो ट्रैक्टर के इंजन आते हैं वो ट्रैक्टर के लिए बने होते हैं, जनरेटर के लिए नहीं बने होते दोस्तों। उनके अंदर परफॉर्मेंस नहीं आती है, लोग उनको जुगाड़बाजी करके ट्रैक्टर के इंजन को जनरेटर बना के दे देते हैं, जो को बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं देते। और बहुत से लोग 15 KVA को 20 KVA में बेचते हैं, खासकर यूपी में, महाराष्ट्र में, MP में बहुत लोग हमारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे नक्कालों से बच के रहें, जेन्युइन चीज़ खरीदें, क्योंकि बिना काम करे इंजन चलते नहीं दोस्तों। देख सकते हैं इसमें लोड डल चुका है दोस्तों, 40-47 MP पर लोड चल रहा है, 50 फ्रीक्वेंसी मेंटेन है, 235 वोल्टेज है, बिल्कुल भी इंजन नहीं दब रहा, बिल्कुल साफ जनरेटर चल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं हर एंड पे आपको क्वालिटी मिलेगी दोस्तों। इस जनरेटर को रख दो और नए जनरेटर को रख दो, आपको फर्क पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, ना चलने में ना दिखने में, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में हम लोगों ने जेनसेट को बना दिया दोस्तों। ऑल्टरनेटर की भी सर्विस की जाती है, इंजन का भी पूरा ओवरऑलिंग का काम किया जाता है, जब भी परफॉर्मेंस आती है दोस्तों। बहुत से लोग शील्ड जनरेटर, जेन्यून जनरेटर करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं दोस्तों। पुराने जनरेटर होते हैं, अगर आप काम नहीं कराएंगे तो इंजन चलेंगे ही नहीं दोस्तों, क्योंकि पुराने जनरेटर में पानी जा रखा होता है, जंग लगा रहता है, सालों से पड़े रहते हैं, उनको खोलेंगे नहीं, जब तक काम नहीं करेंगे तो कैसे परफॉर्मेंस आएगी। इसलिए धोखेबाज से बचे, जेन्यून शील्ड के चक्कर में ना पड़े, काम करा के लें गारंटी के साथ में। इसीलिए हम दोस्तों 1 साल की गारंटी देते हैं, ताकि कभी हमारे जनरेटर परफॉर्म करते हैं तो हमने काम किया तो हमें क्या दिक्कत है, लोड लेने में दिक्कत आएगी नहीं। आपको देख सकते हैं दोस्तों कंटिन्यूस लोड चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं घबरा, इंजन ना फ्रिक्वेंसी गिर रही है ना वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, बल्कि लोड पर वोल्टेज बढ़ेंगे दोस्तों, गिरेंगे नहीं, क्योंकि पूरा काम होने के बाद 1 नंबर का जनरेटर ये तैयार हो चुका है। अब उसका लोड हटा के इसे बंद करेंगे दोस्तों, बंद करके अच्छी तरह गत्ते से पैक करके थातीपल्ली नरेश भाई हैं जो कि करीमनगर तेलंगाना से, उनके पास रवाना करेंगे। देख सकते हैं जेनसेट ये बंद हो चुका है, अब अच्छी तरह गत्ता वगैरह पैक से पैक करके टी सेट ट्रांसपोर्ट से इसे करीमनगर के लिए रवाना करेंगे। अभी पूरा जेनसेट पैक हो चुका है, डिलीवरी के लिए तैयार है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जल्द से ऑर्डर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों, कमेंट भी करें, ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय जिने, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।